बुद्धि काम कर रही है, मेरी बात तुम्हारी बुद्धि विचार पाएगी क्या? किस क्षण शरीर छूट जाए क्या तुम्हें ज्ञान है? अद्यश हो वा तुम मरिष्यस्य बुद्धे किंते कांता पुत्र वित्तादि कुर्यात्। ये जो भूले हुए हैं ना कि मेरी मृत्यु होगी नहीं, मैं तो अविनाशी हूं, वही ये पापाचरण कर रहे हैं। हर समय एक अंग रक्षक की तरह सावधान रखती है मृत्यु, ए पता नहीं कौन सी श्वास आखिरी हो, इसलिए हमें कोई पाप नहीं करना, हमें कोई आसक्ति यहां नहीं करनी, हमें जाना है। जैसे किसी सरकारी आदमी को बंगला मिलता है, गाड़ी मिलती है, व्यवस्थाएं मिलती हैं, उसको उसमें राग नहीं होता, क्योंकि पता है कभी भी ट्रांसफर का कागज आ सकता है। बंगला हमारा नहीं, गाड़ी हमारी नहीं, सुविधा हमारी नहीं, ये तो सरकारी कार्य करने के लिए सुविधाएं दी गई है, कहां सरकार भेज दे। ऐसे ही अनंत ब्रह्मांडों का जो एक सरकार का स्वरूप है वो श्री भगवान है। वो आपको ये मनुष्य शरीर, ये स्त्री पुत्र परिवार गृह आदि भगवत प्राप्ति के लिए दिया है। आप काम आदि विकारियों को पूर्ण रूप से त्याग नहीं सकते तो तुम्हें निवृत्ति मार्ग में नहीं रखा, प्रवृत्ति मार्ग में रख दिया। और जिनको भगवान ने कृपा करके ये सामर्थ्य दी कि षड विकार जित अनघ अकामा, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन छह विषयों पर विजय प्राप्त करके, निष्पाप होकर के, निष्काम होकर मेरी आराधना करे, उन्हें निवृत्ति मार्ग दे दिया। दोनों सरकारी आदमी है, चाहे प्रवृत्ति मार्ग का हो या निवृत्ति मार्ग का, दोनों को सावधान रहना है कि ना ये कुटिया रहेगी, ना ये देह रहेगा, ना आपका माना हुआ कोई अपनापन रहेगा। ये सरकारी जगह है, ये सरकारी जीवन है, कभी भी काल भगवान आपसे खाली करा सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं, जिसे सरल भाषा में कहा जाता है, खाली करवा दिया जाएगा ये शरीर, शरीर संबंध माना हुआ तुम्हारा सारा वैभव, ये सब यही छीन लिया जाएगा। उसे शास्त्रीय भाषा में मृत्यु कहते हैं। अद्यस्वो वा त्वं मरिष्यस्य बुद्धे किम्, भाई तुम्हें पता है कि अभी श्वास छूट जाएगी या थोड़ी देर बाद या कल, कोई भरोसा नहीं। रा पूरा धा बोलने का भी अवसर नहीं मिलता, ध्यान रखना, रा इतने में ही गए, पर धा बोलना चाहते थे ना, इसलिए राधा किशोरी कृपा करेंगी और तुम्हें परम पद प्रदान कर देंगी। इतना भी समय नहीं दिया जाता कि पूरा शब्द बोल लीजिए आप, आधी श्वास में अगर बुलावा आ गया तो पूरी श्वास नहीं खींच सकते। इसलिए कह रहे हैं कि ये तुम्हारा जो मोह जाल फैलाया हुआ है, ये मित्र, ये पत्नी, ये पुत्र, ये परिवार, ये वैभव, थोड़ी देर विचार करके देखो, जब तुम्हारा अंतिम समय होगा तो तुम्हारे साथ कोई नहीं जाएगा। इसलिए यावत देहम सर्वतो मृत्यु रस्ती, जब तक तुम्हारी देह को मृत्यु खा नहीं जाती है तब तक तुम भजन कर लो, सत्कर्म कर लो, दूसरों को सुख पहुंचाने की चेष्टा कर लो, ये पापाचरण मत करो। कह रहे हैं मृत्यु चारों तरफ से तुम्हें निशाने में लिए है। यावत देहम सर्वतो मृत्यु रस्ती, उसकी कोई एक दिशा नहीं है, वो हर दिशा में तैनात है, हर जगह तैनात है, वो सर्वव्यापी तत्व है मृत्यु। जैसे भगवान ऐसे मृत्यु, कभी भी कहीं से जहां जो विधान है वैसे ही तुम्हारे शरीर का अपहरण कर लेगी। तब क्या करोगे? तब कुछ करने लायक नहीं रहोगे। तो हे भ्रातस तवावद्धाव वृंदावनाय, तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम एक बार वृंदावन आ जाओ,
क्यों? क्योंकि तुम वहां बात सुनोगे तो केवल तुम जितना मनन करोगे उतना ही लाभ मिलेगा, लेकिन वृंदावन आ गए और इस भूमि में बैठोगे तो भूमि का प्रताप तुम्हें पावन करेगा, पाप रहित करेगा, और फिर तुम्हारा जीवन कैसा होना चाहिए ये तुम्हें सीखने को मिल जाएगा। वो सीख की सामर्थ्य तुम्हें मिलेगी कि मैं कैसे चलूं, असत वृत्तियों को त्यागूं और सत वृत्तियों को प्राप्त करूं। कह रहे हैं यत्नैर मिथ्या दुराग्रह ग्राहमेतम द्राक् सत्यज्याहम ममेति ग्रसिष्णुम। ये दो ग्राह बड़े बड़े मुंह फैलाए सबको पकड़ चुके हैं, एक अहंकार और एक ममता। ये बड़े भारी भव समुद्र के ग्राह हैं, मगरमच्छ है, पकड़ लेंगे नहीं, पकड़ चुके हैं। मैं विद्वान, मैं धनवान, मैं कुलवान, मैं ये ग्राह ने पकड़ लिया। तुम्हारी पूरी आयु को ये अहंकार नष्ट कर सकता है, और ममकार ये मेरा ये दो ग्राह ने पकड़ लिया। यत्नैर मिथ्या दुराग्रह, तुम्हारे से सारे झूठे कार्य करवाएंगे, असत कार्य करवाएंगे ये दो ग्राह। ये खा जाएंगे तुम्हें, संसार समुद्र से उबरने नहीं देंगे। एक अहंकार और एक ममता, ये मेरे। द्राक् सत्यज्याहम ममेति ग्रसिष्णुम। तुम जब इन दो ग्राह के मुख में फंसे रहोगे तो जान ही नहीं पाओगे सत्य किसे कहते हैं। एक अहंकार और एक ममकार, ममकार मेरा, ममता। जिसके अंदर अहंकार और ममता है वो सत्य मार्ग को जान ही नहीं सकता। ये केवल अहंकार भरी बातें ज्ञान विज्ञान की जाती हैं, स्थिति पाई भर नहीं होती। कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता, पूरा जीवन चला जाता है, क्या है, भटका दिया, अविद्या ने भटका दिया। कहां? अहमता और ममता में। कोई भी हो, ये बहुत बड़े ग्राह ऐसे फंसा लेते हैं। हम कुछ नहीं है, पर हम प्रियालाल के हैं। हमारे कोई साधना नहीं, पर हम असाधन भी नहीं कर सकते। जबान जब बोलेगी तो राधा राधा, कान जब सुनेंगे तो प्रभु की चर्चा, जीवन से जो चेष्टा होगी सर्वे भवन्तु सुखिना, हमें कुछ बने या ना बने इसकी कोई परवाह नहीं, अभी ठीक हो जाएगा, सब बन जाएगा। हम सब कमर कसते हैं कि हम जगत का कल्याण कर देंगे, बड़ी भूल है। कल्याण के करने की योग्यता जब आएगी तो कोई भी तुम्हें ऐसा नहीं दिखाई देगा जिसका तुम्हें कल्याण करना है। कल्याण स्वरूप भगवान नजर आएगा, तब योग्यता आती कल्याण करने की, और जब तक तुम्हें अधम जीव दिखाई दे रहे तब तक कल्याण करने की योग्यता ही नहीं आई है। यह अध्यात्म है, अपना कल्याण करो पहले तो जग का कल्याण स्वयं होगा। अपने में जे ही ब्रह्मानुभूति करोगे तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन। समझे नहीं आ रहा शास्त्र का सिद्धांत, पूरा जीवन निकल गया, पूरा जीवन। गर्व बना रहता है कि हम 50 साल से वैरागी हैं, हम 60 साल से वैरागी हैं। वही हम कह रहे हैं, जाना बिहारी जी तरफ है, एक कदम बिहारी जी की तरफ न चल के और सांस रोक करके दौड़ना शुरू किया, छठी कला की तरफ से दौड़ लो। बहुत चले सो वीर न होई, बिहारी जी कभी नहीं पहुंच सकते, दौड़ते रहो इधर छठी कला की तरफ। हमारी दिशा बदल गई, दिशा बदल गई। बहुत सावधान। यत्नैर मिथ्या दुराग्रह, हमारा पुरुषार्थ हो रहा है मिथ्या दुराग्रह के लिए। शुद्ध आत्म स्वरूप में कुछ भी जोड़ लेना दुर्गति का कारण है, कुछ भी। वो अमल है, चैतन्य घन है, जितना जोड़ा है उसे मिटाने के लिए हम साधना में लगे। समझो परमार्थ का स्वरूप। अब पक्की मटकी को फोड़कर कुछ नहीं बनाया जा सकता। कच्ची मटकी हो तो प्रयास होता है कि अगर आकृति ठीक नहीं है तो फोड़कर इसे जल डालकर नवीन रूप दिया जा सकता है, लेकिन नहीं दिया जा सकता।
नहीं समझ सकते क्योंकि समझ पक्की हो गई है। ये अहंकार बहुत सूक्ष्म विषय है, बहुत सूक्ष्म विषय है। कभी कभी ये जगत कल्याण का ऐसा रूप धारण करता है कि फंसा के जहां से चले थे वहां से नीचे भी खड़ा कर देता है। कैसे चले थे? ये अनुभव करने के लिए कि मैं अधम हूं, भगवत प्राप्ति करूंगा, और जब जगत कल्याण की योग्यता को हम अपने अंदर देख लिया तो अब हमको अधम दिखाई देने लगे। आपकी दुरंत माया है, जब तक कोई आपकी शरण में होकर आपका आश्रय लेकर आपके मार्ग में नहीं चलेगा तब तक पता ही नहीं चलता कि भगवत मार्ग किसे कहते हैं। इसलिए सत्संगी जनों से प्रार्थना है, ये मार्ग पैरों से नहीं चला जाता, ये मार्ग मन से चला जाता है। अगर मन में अंतःकरण में अहंकार है और जगत के संबंधी भोग और संबंधियों से ममता है तो ज्ञान की बातें भले कर लो, ज्ञान की स्थिति कोई नहीं आएगी। प्रेम की बातें भले कर लो, दो चार बूंद आंसू बहा लो, पर अविद्या को जीत कर भगवत प्रेमी नहीं बन सकते। आचरणों का सुधार, हमारे अंतःकरण के विचारों का सुधार। जब अंतःकरण में विचार में अहंकार विष होता है तो भाषा बदल जाती है, भाषा बदल जाती है। यही विष मिटाने के लिए तो गृहस्थ या विरक्त मार्ग से हम भगवद आश्रय लेते हैं। तो इस अहंकार और ममकार ममता रूपी ग्राह से अपने को छुटाने का शीघ्र उपाय करो। इस संसार समुद्र से ये पार नहीं होने देंगे, तुम्हें लील जाएंगे, फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज जो कह रहे, गोस्वामी जी वही बात कह रहे हैं। जो यदि आप अध्यात्म मार्ग में अपना कल्याण चाहते हैं, भगवत मार्ग में चलना चाहते हैं, तो ऐसे यदि तुम मन को लगाओ, अभी बताया ये यात्रा पैरों से नहीं होती, मन से होती है। जो मन लागे राम चरण अस, यदि ऐसे चलोगे तो तुम्हारा मन भगवदाकार हो जाएगा, इसी जन्म में तुम भगवत प्राप्त हो जाओगे। क्या देह गेह सुत बित कलत्र महा मगन होत बिनु जतन किए जस, जो मन लागे राम चरण रस। तुम्हें जितना तुम्हारा देह प्रिय है, अगर इतना ही प्यार भगवान से कर लो, घर जितना प्रिय है उतना धाम से प्यार कर लो, पुत्र जितना प्रिय है, स्त्री जितना प्रिय है, संबंधी जितना प्रिय है, उनमें से थोड़ा प्यार भगवान से कर लो, अभी तुम्हें अनुभव होने लगेगा। क्योंकि प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना, प्रेम तो दिए हो शरीर में, शरीर संबंधियों में, शरीर भोगों में, और चाहते हो कि तुम्हें भगवान प्राप्त हो जाए तो वो चाह ही नहीं प्रकट होगी, जिससे भगवत साक्षात्कार होता है। जब हमारे हृदय में भगवत प्राप्ति की चाह होती तो लक्षण बदलते हैं। कैसे? द्वंद रहित गतमान ज्ञान रत विषय विरत खटाई नाना कस, सुख निधान सुजान कौशलपति हुए प्रसन्न, कहूं क्यों न हो ही बस। यदि तुम इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहते हो तो किसी एक जैसा भगवान से प्यार कर लो, जैसे अपने शरीर से प्यार करते हो, पत्नी से प्यार करते हो, पुत्र से प्यार करते हो, मित्र से प्यार करते हो, भोगों से प्यार करते हो। गोस्वामी जी ने यही कहा, काम ही नारी प्यारी जिम लोभी जिम प्रिय दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहिना। तो आप कहोगे ये स्त्री पुत्र परिवार मित्र तो दिखाई देते हैं पर हरि तो दिखाई नहीं देते हैं ना, इसलिए उनसे प्यार नहीं हो पाता। नहीं नहीं,
तुम स्त्री पुत्र परिवार को जो प्यार करते हो हरि को ही देख के प्यार करते हो, हरि उनके अंदर से चले जाए तो जो तुम्हें दिखाई देता है शरीर उससे तुम प्यार नहीं करते, उसको जला दोगे, उसे गाड़ दोगे, पर अनजाने में प्यार हरि से करते हो, जान के प्यार कर लो, हरि ही है हरि, हरि अंतर्ध्यान हो जाए, चाहे जितनी प्यारी पत्नी हो, पति हो, पुत्र हो, जलवा दोगे, गड़वा दोगे, नहीं रखोगे उसे दो चार दस दिन, उस शरीर को प्यार नहीं करते हो तुम, अनजाने में भी अंदर हृदय में विराजमान भगवान को प्यार करते हो।